भारतीय किसान संघ तहसील सुजालपुर द्वारा अपना 43वां स्थापना दिवस समारोह तहसील के उचोद गांव में बड़ी धूमधाम ढोल धमाके के साथ रैली निकालकर मनाया गया। संघ के पदाधिकारियों ने भगवान बलराम जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मालवा प्रांत के संगठन मंत्री श्री अतुल जी महेश्वरी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने संगठन के हर एक कार्यकर्ता को समाज की सेवा एक ईश्वरीय कार्य के बराबर है का मंत्र दिया और एक परिपक्व कार्यकर्ता ही समाज की सेवा में तत्पर रहता है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए हर एक गांव में हमें जाना है और हर एक किसान को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना है। जिला अध्यक्ष घनश्याम पाटीदार ने बताया कि आज हम संगठन का 43वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार की किसान विरोधी नीतियों के बारे में बताते हुए नाराजगी जताई है। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। दुनिया फलाना सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनके मन में विचार आया कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और हम सब जानते हैं कि एक किसानों का छोटा मोटा किसान संगठन के नाम से प्रयास प्रारंभ हुआ, लेकिन 71 में काम प्रारंभ हुआ। कुछ जिलों ने, कुछ उत्तर प्रदेश, अन्य जिलों ने इसके वर्ग भी लगाए, प्रशिक्षण भी चले, अन्य चले, लेकिन एक ऐसा काल आया जिसके कारण जितने भी राष्ट्रवादी कार्य चलते थे इस देश में उसको हम कहते हैं 1975 आपातकाल, ईसाबंदी, भगवान बलराम की। वो ऐसा काला दिन आया जिसके कारण सारे राष्ट्रवादी लोगों को जो देश में कुछ ना कुछ करते थे, हम सब जानते हैं, उसके गर्व में नहीं जाऊंगा कि श्रीमती इस देश की जो आयरन लेडी कहा जाता था, जिसको सशक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्रीमती इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार चुकी थी और वो अनैतिक तरीके से उस चुनाव को जीती थी और इस कारण की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।